नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, में हूं पिनास त्यागी। शाम के 5 बज चुके हैं और आज हम हाजिर हैं स्पेशल रिपोर्ट में खाकी वाले खलनायक की कहानी लेकर। जी हां, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की पाप कथा। किस तरह से नामचीन अपराधियों का एनकाउंटर करने वाला मुंबई का सुपर कॉप गैंग का आका निकला, ये आपको दिखाएंगे। एनआईए एंटालिया केस और मनसुख मर्डर केस की जांच कर रही थी और उसके बाद उसके तार जुड़ते जुड़ते एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा तक जा पहुंचे। प्रदीप शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर था, लेकिन किस तरह से जब पुलिस ने सुरागों को जोड़ना शुरू किया तो पता चला कि मनसुख मर्डर केस के पीछे प्रदीप शर्मा ही मास्टरमाइंड निकला। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बोला मर्डर का राज खोला, गुरु चेले के साझे प्लान का पर्दाफाश। एंटीलिया केस से जुड़े मनसुख मर्डर मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए को शक है कि पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा पूरे कांड का मास्टरमाइंड है। सिर्फ मनसुख मर्डर ही नहीं, विस्फोटक कांड की साजिश भी प्रदीप ने ही रची है। सबसे पहले ये समझिए एनआईए की अब तक की जांच में क्या बड़े खुलासे हुए हैं। खुलासा नंबर एक, प्रदीप शर्मा के मास्टरमाइंड होने का शक है। खुलासा नंबर दो, प्रदीप पर हथियारों को हायर करने, कार मुहैया कराने का आरोप है। खुलासा नंबर तीन, प्रदीप शर्मा पर पूर्व एपीआई सचिन वाजे की मदद करने का भी आरोप है। खुलासा नंबर चार, आरोप है कि जिस कार में मर्डर हुआ उसे प्रदीप ने अरेंज किया था। खुलासा नंबर पाँच, संतोष और मनीष ने खुलासा किया है कि सचिन वाजे और प्रदीप के आदेश पर हत्या की गई। एनआईए की अब तक की जांच में सामने आया है कि मनसुख हिरन के हत्या की सुपारी प्रदीप शर्मा ने ही दी थी। यहाँ तक कि जिस लाल टवेरा कार में मनसुख की हत्या की गई उसको प्रदीप शर्मा ने ही अरेंज किया था। एनआईए का दावा है कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी मनीष और सतीश ने कबूल किया है कि उन्होंने मनसुख की हत्या प्रदीप शर्मा के कहने पर ही की थी और इसके लिए सचिन वजे ने उनको पैसे भी दिए थे। खुलासे के बाद एनआईए की नजर अब उन सबूतों पर है जिसे प्रदीप शर्मा के अंधेरी वाले फ्लैट से रेड के दौरान जब्त किया गया। आपको बता दें कि एनआईए को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले। प्रदीप शर्मा के घर से डिजिटल डिवाइस बरामद की गई, मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड डिस्क बरामद हुए। एनआईए के मुताबिक डिजिटल डिवाइस की फॉरेंसिक जांच हो रही है। एनआईए प्रदीप शर्मा और सचिन वजे को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। एनआईए का यह दावा है कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी सतीश और मनीष ने मनसुख की हत्या के बाद प्रदीप शर्मा से संपर्क किया था और इस सिलसिले में पुख्ता इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी एनआईए को हाथ लगे हैं। एंटीलिया केस की जांच कर रही एनआईए के रडार पर प्रदीप शर्मा लंबे वक्त से था, लेकिन जांच एजेंसी के पास प्रदीप शर्मा के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं था। दरअसल पिछले हफ्ते एनआईए ने इसी मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनके नाम थे संतोष शेलार और आनंद जाधव। इनसे पूछताछ में मनसुख मर्डर केस में प्रदीप शर्मा का तार जुड़ गया। सूत्रों के मुताबिक प्रदीप शर्मा ने अपने शागिर्द सचिन वाजे की इस मामले में मदद की थी। इतना ही नहीं, पकड़े गए दो आरोपियों में से एक की लोकेशन भी प्रदीप शर्मा के घर के पास पाई गई थी। गिरफ्तार संतोष शेलार और आनंद से मिले इनपुट के बाद एनआईए कल एक्शन में आई। पहले प्रदीप शर्मा के घर रेड करने के बाद उसे गिरफ्तार किया। शर्मा के साथ मनीष सोनी और सतीश त्रिभुतकर को भी अरेस्ट कर लिया गया। यानी एंटीलिया केस में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। टीम न्यूज नेशन। तो एंटालिया से जुड़े हुए मनसुख मर्डर केस के तार जैसे जैसे खंगाले गए, जैसे सबूतों को और उसके पूरे जो एविडेंसेस थे उनको जोड़ा गया, तो ये बात तो साफ हो गई कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड जो है वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सुपर कॉप प्रदीप शर्मा ही था। लेकिन आइए अब आपको ये भी समझाते हैं कि आखिर ये सुपर कॉप प्रदीप शर्मा, पीके शर्मा एंड कंपनी किस तरह से अपने मंसूबों को अंजाम देती थी, कैसे इनका मोडस ऑपरेंडी रहा करता था। प्रदीप शर्मा 25 साल का पुलिस करियर, 100 से ज्यादा एनकाउंटर और अब सलाखों के पीछे। प्रदीप शर्मा को मनसुख मर्डर केस का मास्टरमाइंड क्यों कहा जा रहा है? उससे पहले आप एंटीलिया केस में अब तक गिरफ्तार 10 लोगों में 5 का प्रोफाइल समझ लीजिए। पूरे मामले में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा केंद्र में है, जबकि इसके शागिर्द जिसमें मुंबई पुलिस का पूर्व एपीआई सचिन वाजे, पूर्व एपीआई रियाज काजी, पूर्व इंस्पेक्टर सुनील माने और पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे पहले से ही सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं।
प्रदीप शर्मा को सचिन वजे का गुरु कहा जाता है। 90 के दशक में जब वजे की पोस्टिंग अंधेरी में हुई थी, उस समय अंधेरी क्राइम ब्रांच में प्रदीप शर्मा बड़ा नाम बन चुका था। दोनों के बीच में ये करीबियां समय के साथ बढ़ती चली गईं। 2007 में सस्पेंड होने के बाद सचिन वजे ने शिवसेना ज्वाइन की थी, और बताने वाले बताते हैं कि प्रदीप शर्मा की शिवसेना में एंट्री भी सचिन वजे ने ही कराई थी। हालांकि शिवसेना लगातार ये दावा करती रही है कि 2008 के बाद उसने सचिन वजे की सदस्यता रिन्यू ही नहीं की है, लेकिन प्रदीप शर्मा शिवसेना में शामिल होने के बाद औपचारिक रूप से राजनीति की डगर पर चल पड़े और 2019 में शिवसेना की टिकट पर उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा। वो बात अलग है कि वो हार गया। पुलिस करियर में प्रदीप शर्मा पर फर्जी एनकाउंटर और अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के आरोप लग चुके हैं। प्रदीप शर्मा को 2006 में छोटा राजन गैंग के लखन भैया के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में गिरफ्तार किया गया था। प्रदीप को 3.5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने 2008 में उन्हें बर्खास्त भी कर दिया था। 2013 में कोर्ट से बरी होने के बाद 2017 में उन्हें दोबारा पुलिस में शामिल कर लिया गया। एंटीलिया केस में गिरफ्तार पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे 10 सालों तक प्रदीप शर्मा के एनकाउंटर टीम का हिस्सा रहा। प्रदीप शर्मा और उनकी टीम पर 2006 में छोटा राजन के गुर्गे लखन भैया का फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगा। इस मामले में शर्मा सस्पेंड हुए, लेकिन बाद में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। लेकिन विनायक शिंदे गिरफ्तार हुआ और वो अपनी सजा काट रहा था। इसी दौरान वो पैरोल पर बाहर आया और मनसुख मर्डर केस सामने आया। जाहिर है मुंबई पुलिस में प्रदीप शर्मा का एक अलग गैंग काम कर रहा था, जिसमें मुंबई पुलिस का पूर्व एपीआई सचिन वारजे, पूर्व एपीआई रियाज काजी, पूर्व इंस्पेक्टर सुनील माने और पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे जैसे पुलिस वाले शामिल थे। ये सब एक तरह से प्रदीप शर्मा को अपना आका मानते थे। 25 साल के पुलिस करियर में 113 एनकाउंटर कर चुका प्रदीप शर्मा बेहद शातिर है। वो पुलिस के सिस्टम के लूप होल को काफी अच्छी तरह से जानता है। रसूखदार लोगों के ड्राइंग रूम तक उसकी पहुंच थी। इनमें पॉलिटिकल लीडर से लेकर बिजनेसमैन तमाम लोग शामिल थे, जो प्रदीप शर्मा के कॉल पर उसका काम कर देते थे। इतना ही नहीं, शर्मा का एक इशारा और कॉन्ट्रैक्ट किलर किसी का भी काम तमाम करने के लिए तैयार। यही वजह है कि मनसुख मर्डर केस में शागिर्दों ने पहले अपने गुरु से मंत्र लिया, लेकिन जब जांच देश की सबसे बड़ी एजेंसी के हाथ में पहुंची, तो एक के बाद एक तार जुड़ते गए और अब चेलों के बाद गुरु भी सलाखों के पीछे पहुंच गया। टीम न्यूज नेशन। और आइए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास श्रीवास्तव इस वक्त मुंबई से जुड़ चुके हैं। विकास, किस तरह से सुपर कॉप का ये पूरा का पूरा मोडस ऑपरेंडी रहता था, कैसे उन तक पहुंची एनआईए की टीम, हमारे दर्शकों को बताएं। और अब आगे क्या, कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं, आगे की जांच किस दिशा में बढ़ रही है? बिल्कुल पिनाज, देखिए सबसे पहले तो एनआईए की इस गिरफ्तारी से एक बड़ा खुलासा हुआ है कि पुलिस महकमे में रहकर खाकी वर्दी पहनकर एक गैंग काम कर रही थी, जिसका आका खुद प्रदीप शर्मा थे। और प्रदीप शर्मा ही दरअसल इस पूरे साजिश के मास्टरमाइंड थे। न सिर्फ एंटीलिया के नीचे विस्फोटकों से भरी कार रखने, बल्कि मनसुख हिरन को भी रास्ते से हटाने में प्रदीप शर्मा की अहम भूमिका थी, ये इस बात का दावा एनआईए कर रही है। इसके पहले सचिन वजे ने यह दावा किया था कि वो बहुत जल्दी फेमस होना चाहता था, इसी वजह से उसने पूरा स्वांग रचा। उसने खुद विस्फोटक से भरी गाड़ी जो है एंटीलिया के नीचे पार्क की थी, और इस केस को डिटेक्ट करके वो सुपर कॉप बनना चाहता था, उसकी छवि बनाना चाहता था। लेकिन एनआईए अब भी इन दलीलों पर यकीन नहीं कर रही है। एनआईए का ये कहना है कि ये सारी दलीलें वो इन्वेस्टिगेशन को मिसगाइड करने के लिए दे रहा है। ये सब कुछ जिन पॉलिटिकल बॉसेस के इशारे पर किया गया है, उनको बचाने की अब कोशिश की जा रही है, और इसमें बहुत बड़ी कड़ी जो है वो प्रदीप शर्मा की है। प्रदीप शर्मा के गिरेबान तक एनआईए के हाथ जा चुके हैं, और अब जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो ये है कि ये तमाम चीज़ें जो की गई वो किसके इशारे पर की गई, क्या राजनीतिक महकमे में बैठे कुछ ऐसे लोग थे जिनके इशारे पर ये खाकी गैंग काम कर रहा था? जी पिना, बिल्कुल। तो इसमें क्या राजनीतिक एंगल इन्वॉल्व है, कौन नेता भी इसमें लिप्त हो सकते हैं, तो उस पर भी जांच जो है वो जारी है। विकास, इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। और इस वक्त हम अपने दर्शकों को ये भी बताएंगे, सचिन वाजे और जिस तरह से प्रदीप शर्मा दोनों सुपर कॉप थे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, तो आखिर क्या हुआ और कैसे इनके जो तार हैं वो जुर्म की दुनिया से जुड़ते चले गए? ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कैसे और किन परिस्थितियों में क्राइम स्पेशलिस्ट बन गए, ये भी समझिए हमारी अगली रिपोर्ट के जरिए। '83 में मुंबई पुलिस ज्वाइन करने वाले प्रदीप शर्मा की पहचान बनी 90 के दशक में। मुंबई में अंडरवर्ल्ड की जड़ उखाड़ने में प्रदीप शर्मा का बड़ा रोल था। दया नायक, विजय सालसकर, प्रफुल भोसले जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस वालों की टीम में प्रदीप शर्मा का अहम किरदार रहा।
प्रदीप शर्मा ने अपना पहला एनकाउंटर 90 के दशक में घाटकोपर में दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़े जावेद और रहीम का किया था, जिसके बाद उनके किरदार पर कई बॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में सीनियर इंस्पेक्टर रहा प्रदीप शर्मा के करीब 25 साल के पुलिस करियर में 113 क्रिमिनल के एनकाउंटर्स में नाम जुड़ा, जिसमें मुंबई अंडरवर्ल्ड से लेकर आतंकी संगठन लश्कर तैयबा तक के आतंकियों का नाम भी शामिल रहा। प्रदीप शर्मा ही वो शख्स हैं जिन्होंने दाऊद के भाई इकबाल कास्कर को भी गिरफ्तार किया। 2008 के मुंबई हमलों में शहीद हुए विजय सालस्कर के साथ एक समय में प्रदीप शर्मा की अच्छी दोस्ती रही। दोनों ने बांद्रा क्राइम ब्रांच में साथ रहते हुए दाऊद के गुर्गे सुभाष मकड़वाला और सेनेगल में गिरफ्तार किए गए अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी के बॉस रहे श्रीकांत मामा का एनकाउंटर किया था, जिसके बाद प्रदीप शर्मा के ट्रांसफर एंटी नारकोटिक सेल में हो गया। 35 साल के अपने पुलिसिया करियर में प्रदीप शर्मा पर अंडरवर्ल्ड से 60 गांठ और फर्जी एनकाउंटर के आरोप भी लगे, लेकिन हर बार वो बरी होता चला गया। 2019 में प्रदीप शर्मा ने मुंबई पुलिस से रिटायरमेंट ले ली, शिवसेना ज्वाइन किया। मुंबई के पास की नालसपोरा सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन चुनाव हार गया। लेकिन बात प्रदीप शर्मा के शागिर्द सचिन वाजे की करें तो वो भी महाराष्ट्र में बतौर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बड़ा नाम था, लेकिन उसका भी पूरा करियर विवादों में रहा। 30 साल के करियर में वो 16 साल तक सस्पेंड रहा, इसमें 12 साल तक पुलिस विभाग से बाहर रहा। 2004 में एक इंजीनियर की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में वाजे को सस्पेंड कर दिया गया था। 30 नवंबर 2007 को वाजे ने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार आने के बाद जून 2020 में वाजे को फिर से पुलिस में बहाल कर लिया गया। एंटीलिया केस के अब सामने आने के बाद बर्खास्त हो चुका एपीआई सचिन वाजे दरअसल 2007 में ही पुलिस की नौकरी छोड़ चुका था। पुलिस की नौकरी छोड़ने के एक साल बाद ही उसने औपचारिक रूप से शिवसेना ज्वाइन कर ली थी, और 12 साल शिवसेना की राजनीति करने के बाद जब उसकी पुलिस सेवा में बहाली हुई तो उसे सीधा CIU यानी क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का हेड बना दिया गया, बावजूद इसके कि उसका ओहदा महज एक एपीआई का था। लेकिन 25 फरवरी को मुंबई के पैडर रोड के एंटीलिया के बाहर मिली विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो और इसके बाद मनसुख मर्डर के मामले में जब जांच NIA के हाथों में गई तो तार एक एक कर जुड़ते गए और अब मुंबई पुलिस में रहे प्रमोद शर्मा एंड कंपनी का खेल खत्म हो गया। टीम न्यूज़ नेशन।